हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो स्कीम्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। पहली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS भी कहा जाता है, और दूसरी है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जिसे PMVVY भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दोनों पॉपुलर स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स की, जिनसे सीनियर सिटीजन अपने रेगुलर इनकम बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है, बाय प्रोफेशन मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो दोस्तों, चाहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो चाहे PMVVY हो, दोनों में वन टाइम डिपॉजिट होता है। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो एक ही बार में डिपॉजिट करते हैं। और कहां पे आपको अप्लाई करना होगा, अगर आपको SCSS लेना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा या सिलेक्टेड बैंक्स में आप ये स्कीम करवा सकते हैं। लेकिन PMVVY सिर्फ आपको LIC से मिलेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और एडवाइजर के थ्रू भी ले सकते हैं। कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SCSS में? दोस्तों, कोई भी 60+ वाले तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। उसके अलावा रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज, जिनकी एज 55 से 60 के बीच में है, वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉयज, जिनकी एज 50 से 60 के बीच में है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि उनको जो रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलता है उसके एक महीने के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। PMVVY में दोस्तों सिर्फ एज 60+ वाले ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली इंटरेस्ट अपने को मिल जाता है, पे आउट अपने को 3-3 महीने बाद मिल जाता है। PMVVY में आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो SCSS में 1000 मिनिमम डिपॉजिट है, और 1000 के मल्टीपल्स में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। PMVVY में अगर ईयरली पेंशन लेनी है तो 1,56,658, हाफ ईयरली के केस में 159,574, क्वार्टरली के केस में 161,074, और मंथली के केस में 162,162 का अमाउंट डिपॉजिट मिनिमम करना होता है। मैक्सिमम की बात करें तो दोनों में 15 लाख की लिमिट है, आप इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते दोनों ही स्कीम्स में। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ होल्डिंग की। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये आप इंडिविजुअल नाम से, यानी एक नाम से, और जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। PMVVY एक नाम से ही इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिविजुअल के नाम से ही होता है, और नॉमिनेशन तो दोनों में होता ही होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेन्योर की। टेन्योर की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है दोस्तों, ये 5 इयर्स का अकाउंट होता है, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 साल के लिए। लेकिन एक्सटेंड जब करेंगे तो जो नया रेट उस टाइम चल रहा होगा वो एक्सटेंशन पीरियड में अपने को मिलेगा। PMVVY दोस्तों 10 इयर्स का अकाउंट होता है, 10 साल का होता है, इसमें एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। चलिए अब टैक्स रिबेट की अगर बात करें तो SCSS में अपने को टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, और मैक्सिमम ये लिमिट है 1.5 लाख की। PMVVY में कोई भी टैक्स रिबेट अपने को नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं TDS की, यानी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर कितना टैक्स कटेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले रही हैं और आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा बन रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टैक्स भी कटेगा। और अगर आपकी इनकम कम है, आप 15GH फॉर्म भर के अपना टैक्स बचा सकते हैं। PMVVY में दोस्तों TDS नहीं काटा जा रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट अपने को मिलता है उसे पेंशन भी कहते हैं, वो टैक्सेबल होती है, हमें अपनी इनकम में जोड़नी होती है। प्री मैच्योरिटी की अगर बात करें दोस्तों, अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आसानी से आप इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन PMVVY में ऐसा नहीं है, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है अपने साथ या स्पाउस के साथ तो ही आप इसे बंद करा के पैसे ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। प्री मैच्योरिटी की कितनी पेनल्टी लगती है उसकी बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो इसमें अलग अलग टेन्योर के हिसाब से पेनल्टी है। अगर 1 साल से पहले लेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिला होगा वो डिपॉजिट में से काट लिया जाएगा। अगर 1 साल से 2 साल के बीच में आप पैसा निकालेंगे तो डिपॉजिट अमाउंट का 1.5% पेनल्टी लगेगी, और आफ्टर 2 ईयर्स आप निकालेंगे तो 1% पेनल्टी लगेगी डिपॉजिट की। PMVVY में 2% डिपॉजिट की पेनल्टी लगेगी और आपको पैसा मिलेगा, और वो भी किस कंडीशन में मिलेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। लोन की फैसिलिटी दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में नहीं है, क्योंकि आप प्री मैच्योर ही कर सकते हैं, लिक्विडिटी इसमें है।
पीएमबीवीवाई में लोन की फैसिलिटी रखी गई है आफ्टर 3 ईयर्स, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट का 75% तक का लोन दिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, किसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो दोस्तों इसमें 7.60% का क्वार्टरली पे आउट आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। पहले यह 7.40 होता था, 1 अक्टूबर 2022 से इसे बढ़ाकर 7.60 कर दिया गया है। पीएमवीवीवाई में अगर आपको ईयरली लेनी है पेंशन तो 7.66, हाफ ईयरली 7.52, क्वार्टरली में 7.45 और मंथली पेंशन लेना है तो 7.40 का आपको रेट मिलेगा। दोनों दोस्तों दोनों ही स्कीम्स में काफी अच्छे रेट्स हैं जो कि नॉर्मल आपको बैंक एफडी में नहीं मिलेंगे। SCSS का जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया 7.60, ये आपको 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड है। अगर आप इस पीरियड में करवा लेंगे, अपना अकाउंट ये खुलवा लेंगे तो आपको यही रेट मिलेगा 5 साल के लिए। PMVVY में जो ये करंट रेट्स हमने डिस्कस करे हैं ये 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, मतलब अभी आप ये इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल के लिए आपके रेट ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए अब एग्जांपल से समझ लेते हैं दोनों स्कीम्स को। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पूरा जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको 28,500 रुपीज एवरी क्वार्टर, यानी हर 3 महीने में 28,500 का पे आउट आपको मिल जाएगा 5 साल के लिए। PMVVY में अगर आप डिपॉजिट करेंगे 14,49,086 तो आपको ईयरली 1,11,000, 1,476,64 डिपॉजिट करने पे 55,500, अगर आप डिपॉजिट करेंगे 1,489,933 तो 27,750 क्वार्टरली, अगर आप पूरा 15 लाख करेंगे तो 9,250 रुपीज मंथली। ये मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट भी है PMVVY की। चलिए मिनिमम डिपॉजिट भी देख लेते हैं PMVVY में। अगर आपको 12,000 रुपए ईयरली लेना है तो 1,56,658 देना है, 6,000 हाफ ईयरली लेना है तो 159,574 लगेगा, 3,000 क्वार्टरली लेना है तो 1,61,074 आपको पे करना है वन टाइम, और 1,000 महीना लेना है तो 1,62,162 रुपीज का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होगा। चलिए आपको अब कंपैरिजन तो हमने देख ही लिया, आपको यह भी बता देता हूं कि अगर डेथ हो जाती है डिपॉजिटर की, चाहे वो PMVVY हो या SCSS हो, तो जो भी डिपॉजिट अमाउंट होता है विद इंटरेस्ट वो नॉमिनी को इमीडिएटली मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये स्कीम के बारे में पता लगे, और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।